तो अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल सिक्स। एग्जाम्पल सिक्स में आपसे बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। मीनिंग इसका ये हुआ कि फ्रॉम यहाँ लगा हुआ है मल्टी स्टोरी के सामने, तो मल्टी स्टोरी पर है आई, यानी आँख जो है वो मल्टी स्टोरी पर है, ठीक है। तो जो साइड रे निकल के आएगी तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से होकर आएगी। अब डिप्रेशन बन रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से, तो जाहिर सी बात है कि दोनों में लंबा क्या है, वो बिल्डिंग लंबी है, ऊंची है, या वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। समझ पा रहे हो एक बात को, है ना। तो जो नॉर्मल बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर टॉल है वो छोटी है, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो ज़्यादा ऊंची है, और उसके टॉप पर आई है, आँख है, वहाँ से 30 डिग्री और 45 डिग्री के दो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकलते हैं। ये इस तरह का एक डायग्राम होता है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल रे। और जब वो ऊपर से सामने खड़ी हुई एक बिल्डिंग, सपोज़ करो वो बिल्डिंग है ए बी विच इज़ 8 मीटर हाई, और उसके टॉप और बॉटम को देखती तो रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड द 45 डिग्री के दो एंगल ऑफ डिप्रेशंस निकल के आते हैं। आपको इस बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसका नाम सी पी है, सी पी जी के में सी पी का फुल फॉर्म होता है कनॉट प्लेस, ठीक है। ये एक जगह है दिल्ली में है, ओके, इसके बारे में आप लोग देखना। तो वो सी पी है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग भी आपको निकालना है। ये रही आपकी बड़ी बिल्डिंग सी पी और छोटी बिल्डिंग ए बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए सी या बी डी, क्योंकि आमने सामने की साइड बराबर होती है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी डी, तो ए सी या बी डी जो है वो निकाल कर आपको देना है, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ड्राइंग बनाते हैं, उसमें सामने एक 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग का हम निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ए बी, ठीक है, और उसके थोड़ा दूर है ना, वो दूरी है ए सी, क्योंकि हमको निकालनी है, एक्स मीटर है, ठीक है, वो हमको निकालना है, जो कि बिल्कुल बी डी के बराबर हुई, कि आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, ये बात आप समझते हैं। सी डी की लंबाई जो है वो 8 मीटर है, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर होते हैं, और ये जो यहाँ है हमारी आँख, ठीक है, इस आँख से आप बी को देखते निहारते हैं, ये है हॉरिजॉन्टल रे। समझो कि जो हॉरिजॉन्टल रे होती है, ठीक सामने वाली क्षैतिज रेखा होती है उसका, और साइड रे जो होती है, मैं यहाँ ड्राइंग में लिखने नहीं वाला था लेकिन लिख दिया, समझ जाना आप लोग, जो साइड रे होती है और जो हॉरिजॉन्टल रे होती है, दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल का नाम है 30 डिग्री मेज़र है, और ये जो बड़ा वाला है दैट इज़ 45, है ना। अब आप जानते हो कि अगर ये हॉरिजॉन्टल रे, लेट्स से इसका नाम पी है, ये एक्स है, अगर एक्स पी और बी डी आपस में पैरेलल हैं, ध्यान देना, एक्स पी और बी डी आपस में पैरेलल हैं, यू नो पैरेलल, जो कभी मीट नहीं करते, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 30 क्या इस 30 के बराबर होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? सर याद नहीं बेटा जी, छोटी क्लासों में जगह नहीं है, देखो छोटी क्लासों में आपको एक चीज़ सिखाई गई है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ए बी सी डी पी क्यू, दो पैरेलल लाइन है ए बी
स्पेलर टू सी डी, और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, उस ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, पी क्यू। तो बनने वाले एंगल एक इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है, इसे कहते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि दिखने में एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ में नहीं आ रहा बेटा। वन और फोर आपस में करस्पॉन्डिंग है, टू और फाइव आपस में करस्पॉन्डिंग है, यू नो करस्पॉन्डिंग दिखने में एक जैसे, थ्री और सिक्स आपस में करस्पॉन्डिंग है, एट और सेवन आपस में करस्पॉन्डिंग है, दिख रहा है। टू और सेवन आपस में क्या है, ये एंगल और ये एंगल, एक दीवाल किस तरफ बन रहा है, एक दीवाल किस तरफ बन रहा है ना। फिर समझ लो, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, ये वाले एंगल आपस में कैसे होते हैं, इनको नाम क्या देते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अंदर बनने वाले ऐसे एंगल जो अपोजिट हैं, अल्टरनेट हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अलग हरकत करते हैं, एक जाता है यहाँ तो अगला जाता है वहाँ, एक बैठता इधर तो अगला बैठता उधर, एक भागता नाए तो अगला भागता माए, यू नो अपोजिट वर्ड, दिन रात सुबह शाम, है ना, अच्छा बुरा। तो उसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ऊपर बैठता है, एक नीचे बैठता है, एक इस तरफ लेफ्ट तरफ आता है, एक राइट तरफ आता है, अंडरस्टूड कर पा रहे हैं बात को, इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। हम वापस अपने सवाल की तरफ गमन करते हैं, हम देखते हैं ये 30 डिग्री है ना, एक ट्रांसवर्सल के उस तरफ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, एक ट्रांसवर्सल के नीचे बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि अब की बार ट्रांसवर्सल ये है, साइड रे ये है, ठीक है। आइए सवाल प्रारंभ करते हैं, हमको निकालना है सी पी कनॉट प्लेस की लंबाई, ठीक है, माना एच मीटर है, तो तुम्हारा दिमाग तुमको चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए कि पूरे एच में से नीचे का 8 चला गया, तो ये एच माइनस 8 होगा भाईजान, बी ओ सी आई मीन पी ओ डी पेन ड्राइव, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। आइए जमाते हैं, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बी ई सी पी इक्वल टू एच मीटर, स्टूडेंट है ना, डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस नहीं लिखना, डिस्टेंस लिखो, डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड अनदर बिल्डिंग, उस अनदर बिल्डिंग का नाम मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ ए बी, इज एक्स मीटर, अंडरस्टूड कर पा रहे हो, है ना, गिवन है, हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग या स्मॉल बिल्डिंग ए बी इक्वल टू 8 मीटर, इमेजिन कर पा रहे हो, इसी कारण से सी डी ए बी के बराबर हो जाएगा 8 मीटर, सॉरी, ठीक है, और ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा एक्स मीटर, और रीज़न लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, दिख नहीं रहा होगा, अब दिखने लगा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या बता दिया, इस दोनों के बारे में बता दिया, इन दोनों के बारे में बता दिया, अब बचे हैं एंगल्स, नहीं एक चीज़ और बची है, ये सिंस
CP इक्वल टू H मीटर एंड CD ये इक्वल 8 मीटर हैंस पेन ड्राइव इक्वल CP माइनस CD 8x माइनस H मीटर। इस पूरे मैसेज चला जाएगा सर ये जो रामायण से लिखवा रहे हो क्या फ़ायदा इसका, नंबर मिलेंगे बेटा ठीक है, अफवाह मानो या रियलिटी मानो। आगे बढ़े एंगल्स के बारे में और बता देते हैं, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आपको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, पहला दिया है एक्स पी बी 30 डिग्री, अगला दिया है एक्स पी ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये नाम याद किए, इधर देखो एक्स पी बी 30 डिग्री, एक्स पी ए 45 डिग्री, ये ऊपर बन रहे हैं डिप्रेशन। यहाँ लिखो हैंस एंगल पी बी डी इक्वल टू एक्स पी बी इक्वल टू 30 डिग्री। अभी रीज़न लिखना, पी ए सी इक्वल एक्स पी ए 45 डिग्री। इनमें से एक को थीटा ले लेना, एक को फाई ले लेना, मैं लेना भूल गया हूँ ठीक है। आपका काम है आप यहाँ पे मतलब जब आपको जगह मिले यहाँ इक्वल डाल के आप लिखना इसमें फाई, इसमें लिखना थीटा, ज़रूरी है क्योंकि आपको याद रहेगा भैया कि मैं दो एंगल। अब बताइए ये इनके बराबर क्यों होंगे, मैंने अभी ड्राइंग में ये बताया था आपको, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, समझ रहे हो। होमवर्क में इसका फेयर करके मुझे मतलब व्हाट्सएप कर देना। अब मैं थोड़ा सा आपको सवाल फिर से दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले मैंने ड्राइंग बनाया तो मेरा जर्मन शेपर्ड कभी चुप नहीं होता, क्या देख लिया उसने, सबसे पहले मैंने ड्राइंग बनाई ठीक है। ड्राइंग में मैंने बताया कि ए बी एक स्मॉल बिल्डिंग है, सी पी एक लार्ज बिल्डिंग है, लार्ज बिल्डिंग एच मीटर की है, स्मॉल बिल्डिंग 8 मीटर की है, पी पे आई बनी है, ये सर की ड्राइंग है ठीक है, मुझे ड्राइंग नहीं आती। पी से लेके बी आपका यहाँ पे एक डिप्रेशन एंगल बन रहा है, मतलब नीचे देख रहे हो, डिप्रेस होके देख रहे हो ठीक है ना 30 डिग्री, और एक नीचे की तरफ एंगल बन रहा है 45 डिग्री। अंडरस्टूड कर पा रहे हो बात को ठीक है, तो यहाँ पे 45 बन रहा है, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर रखना आना चाहिए कि भैया ये साइड इस साइड के साथ पैलर है और ये ट्रांसवर्सल है, तो बनने वाला एंगल 45 बनेगा, यहाँ ये 30 है और ये पैलर है, तो ये बनने वाला एंगल यहाँ 30 बनेगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो मैंने वहाँ से समझा दिया। अगर ये इतना 8 है तो ये इतना 8 होगा बाय अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल सॉरी रेक्टेंगल ए सी डी पी या ए बी सी डी वॉट एवर ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस है एक्स तो अपना ये भी एक्स होगा बाय अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब तुम जानते हो कि ये पूरा एच है, ये आधा 8 है, तो ये बाकी का आधा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए दमोह से दिल्ली 900 किलोमीटर है ठीक है, दमोह से ग्वालियर 500 किलोमीटर है, तो अगर आपको ग्वालियर से मतलब दिल्ली निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप दिल्ली जाओगे ही नहीं है ना, आप तो क्या करोगे दमोह टू ग्वालियर की डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, जाने वाली डिस्टेंस दमोह टू ग्वालियर को, नहीं आ रहा समझ में आपको, सोचो आप इस पूरे में से अगर हम नीचे का माइनस कर देंगे तो ये ऊपर का ना हमारा बचेगा दैट विल बी योर एच माइनस 8 मीटर, क्लियर हो पा रहा है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं आपके यहाँ साइन ड्रॉ कर दूँ, एक बार आपको लेना है राइट एंगल ट्राइंगल पी डी बी या बी डी पी ठीक है, और एक बार लेना है ए सी पी है ना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ठीक है, या पी सी ए ठीक है ना,
ये मत बोल देना पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। हाँ चलो, इन राइट ट्राइंगल, पहले हम बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। पी सबसे नीचे बन रहा था सी और बाजू में बन रहा था ए, ठीक है ना। क्या टेन, हम लोग लेंगे 10 45, समझ रहे हो। रहन दो वो थीटा और वो फाइव आइस, डायरेक्ट लिखो 10 45। टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एम आई राइट और रॉन्ग, कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तो परपेंडिकुलर है हमारा पीसी, तो बात कर रहे हैं तो भैया टेन पीसी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस एसी। सर हमें दोनों नहीं पता, ये एच है और ये एक्स है, ये तो पता है बाय टेबल। मैं फोन लगाने वाला हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के घर और पूछूंगा आपसे टेबल सारे फॉर्मूले पूछूंगा आपसे। तो x इक्वल टू h या h इक्वल टू x, बात समझ में आ रही है। इन राइट ट्राइंगल, ये हो गया आपका पी सी ए। छोटा ट्राइंगल ले लो पी डी बी या बी डी पी, वॉट एवर। अब की बार ले लो टेन, मैंने आपको बोल ही दिया है कि वो थीटा ईटा भूल जाओ, डायरेक्ट लिखो 30 डिग्री। जल्दी से कमेंट में बताओ कि 10 30 बराबर क्या है। दिमाग में जोर देना जरूरी है, जब तक दिमाग में जोर नहीं दोगे 10 30 बराबर ये, तब तक याद नहीं हो रहा। वो मतलब वो पूरा कैलकुलेशन करते रहोगे इसके अपॉन इसका उसका उसका किसका, ठीक है ना। दिमाग में जोर दो, याद होगा, नोट्स बनाओ, याद होगा। ये हो जाएगा भैया आपका पी डी अपॉन डी बी। सर ये देख के आपने ये कैसे बोल दिया, एक्सपीरियंस पी डी डी बी, अंडरस्टूड। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 30 आप लोग बता चुके हैं, 1/√3, ठीक है। पी डी और डी बी, टी डी की वैल्यू थी एच माइनस एट अगर आपको याद हो आधी, और डी बी की वैल्यू थी एक्स। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू गॉट द निष्कर्ष √3 h - 8। सर अभी आया था x इक्वल टू h, अब आया x इक्वल टू ये, यानी ये दोनों आपस में मतलब बराबर होंगे अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है। तुम जीनियस हो। फ्रॉम 1 and 2 h इक्वल टू √3 ब्रैकेट में h माइनस 8। जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर हैं तो राइट राइट भी तो बराबर होंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। इफ संडे बराबर रविवार, इफ संडे बराबर इतवार, तो इतवार और रविवार बराबर होंगे नहीं होंगे। सर इतवार हम पहली बार सुन रहे हैं, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, समझ रहे हो। जो लैंग्वेज ना सीख सके भारत की तुम। चलो एच √3 माइनस 8√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल रिसीव 8√3 एच √3 माइनस एच। यहाँ एच में किस नंबर से मल्टीप्लाई है जल्दी बताएं राहुल, अब बताएं, सिर्फ राहुल बताएगा यहाँ पे कमेंट में, ठीक है। एच में किस नंबर से मल्टीप्लाई है, एच हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा √3 - 1। ये वन कैसे आया, दिमाग के घोड़े, ये लिखा था एच इंटू वन, जिसका मतलब होता है एच, एच के अब बाहर अंदर बचा वन। स्टूडेंट
थोड़ा दिमाग चलाओ तो एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे। क्या निष्कर्ष पे पहुंचोगे? 8√3 डिवाइड बाय √3 - 1 = h, यही वैल्यू x की होगी और यही वैल्यू आपकी h की होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और चलो आज तुमको ये सिखाते हैं, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखो पहले हम यहाँ पे एक बात लिख दें, h इक्वल टू x इक्वल टू 8√3 डिवाइड बाय √3 - 1, ये आंसर में लिख के आ सकते हो। यानी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज दिस इन मीटर। ठीक है, बट इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, वो सीखने वाली अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये उतार लेना भैया, ये आपका पहला हाफ, सेकंड हाफ। ठीक है, पहला, सेकंड, और ये पहला सेकंड। ठीक है, तो मैंने बोला कि 8√3 - 1 आया, मैंने कहा ये आप और सॉल्व कर सकते हो, ये लास्ट ईयर सिलेबस में था, बट दर्जन भर बच्चों की क्लास में से आधे दर्जन ने भी ये चीज़ नहीं देखी होगी ना। चलो, इसे कहते हैं RBD, मेरा नाम नहीं है, एक सर ने दिया है, अपन प्रॉपर नाउन में बात नहीं करते, अपन सीधा बोलते हैं रेशनलाइजेशन बाय डिनोमिनेटर। आगे बढ़ें, सर ये तो कुछ समझे में नहीं आया, क्या हो गया? वाओ, सच में 8 का मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया। आप जानते हैं a - b, a+b का मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा पुत्रों? एक काम करो, मल्टीप्लाई अंदर मत करो, 8 का काम आएगा। ये दिया है आपको √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 8√3 + 1 = 2, इसे काट दोगे 4, आंसर आ जाएगा 4√3 + 1 या 4√3 + 4। समझ गए होगे थोड़ा बहुत, तो इसको आप मीटर में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, इसके अगले वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल 7 देखेंगे। अभी आपको खुद से प्रयास करना है एग्ज़ाम्पल 7 का। ठीक है, ये आज का होमवर्क रहेगा, आप समझदार हैं, मुझे एहसास कराते रहिए कमेंट्स में कि आप पढ़ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कमेंट करो, आज मैंने राहुल नाम लिया तो मुझे राहुल का नाम चाहिए कमेंट में, इससे प्रूव हुआ कि राहुल वीडियो देख रहा है। अदरवाइज मैं यही सोचूंगा कि आप लोग अपना सारा डेटा पबजी जैसे कोई यूजलेस गेम में आप लोग मतलब फिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। यूजलेस इसलिए बोल रहा हूँ कि दे आर नॉट गिविंग यू मनी, यू डू नॉट वॉन्ट टू बी अ गेमर, समझ रहे हो? यूजलेस इसलिए, कोई चेस खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट, बट फ्री फायर खेल रहे हो, पता नहीं